मनोरंजन कॉमेडी से भरपूर बनी फिल्म पिक्चर अभी बाकी है खूब पसंद कर रहे हैं दर्शक। झारखंड में बनी खोटा फिल्म पिक्चर अभी बाकी है जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले कुछ धार्मिक तर्क वितर्क एवं विरोध करने वालों की भी संख्या देखी गई, लेकिन फिल्म रिलीज सिनेमाघरों में आने के बाद यह तर्क वितर्क विरोध की भावना समाप्त हो गई। झारखंड के लगभग 20 सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एवं काफ़ी ज़्यादा सिनेमाघरों में भीड़ भी देखी जा रही है। मौके पर खबर 365 न्यूज़ के संवाददाता पहुंचे, आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं दर्शक। अभी आपने देखा मैंने जो मूवी को दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है, दर्शकगण इस फिल्म को देखकर निकल रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें दर्शक लोग का क्या कहना है, इस फिल्म को देखकर क्या जागरूकता मिली, क्या विशेष देखने को मिला। आइए देखते हैं जो भी दर्शकगण इस फिल्म को देखें, आइए उनसे हम बातें करते हैं, क्या कहते हैं इस फिल्म को लेकर। कैसा लगा सर आपको इस फिल्म? बढ़िया लगा। क्या आपको संदेश मिली इस फिल्म से? बहुत अच्छा लगा। अन्य फिल्मों से आपको क्या हटकर कुछ नजर में आई, आप बताएंगे? क्या आपको लगता है आपको इस फिल्म देखकर क्या संदेश मिली? जो फिल्म बनी है ना और फिल्म से अलग है और इससे समाज संदेश मिलता है। चलिए अपना परिचय देंगे सर। अमन राय। आपने कुछ दर्शकगण बताएं इस फिल्म के बारे में, आइए और भी दर्शकगण से जानकारी लेते हैं। आखिर यह जो लोकल भाषा में खोटा भाषा में जो फिल्म बनाई गई है पिक्चर अभी बाकी, इस पर क्या कहना है? हमारे साथ कुछ दर्शकगण मौजूद हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस फिल्म को लेकर। क्या लगता है सर आपको इस फिल्म को लेकर क्या बोलेंगे? फिल्म में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा ये बताया गया है, बेटी को मतलब कि ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, कैसे जैसे लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है उसी तरह बेटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। प्लस है कि फिल्म में बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है जो कि मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो फिल्म देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेस लेस हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह फिल्म रिलीज होने से पहले विवाद खड़ा हो चुका था कि यह फिल्म धार्मिक को मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या फिल्म देखने के बाद आपको क्या लगा? ऐसा बात नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमेडी के पर्पज से बनाया गया है, ऐसा कोई धर्म से लेना देना नहीं है। अगर ये धर्म से जोड़ा जाए तो बहुत सारा बात निकले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें और दर्शकों को ये बहुत मनोरंजन आएगी और मुझे नहीं लगता कि ये धर्म से ये सब कुछ कोरिलेट किया गया। देखा जैसा कि आपने इन्होंने बताया बीच में कुछ विवादें चल रही थी इस फिल्म को लेकर, लेकिन इन्होंने अपने माध्यम से जब इन्होंने पिक्चर को देखा तो इन्होंने खुद से क्लियर कर दिया कि फिल्म में ऐसा कोई धर्म से संबंधित कोई विवाद लाइक सीन नहीं डाला गया है। हमारे साथ आज मौजूद है इस पिक्चर अभी बाकी फिल्म के एक सदस्य, तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका खबर 365 न्यूज में स्वागत है मैम। मैं जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका रही है, क्या रोल रही है? सबसे पहले तो झारखंड के सभी निवासियों को मेरा प्रणाम। और मेरा इस फिल्म में भूमिका है एक कलाकार की वाइफ जिसकी जो अपने पति से गरीबी की वजह से अनबन करती है और मतलब इसी का मैं डबिंग की। कहीं ना कहीं यह देखा जाए तो फिल्म झारखंड में बहुत पसंद किया जा रहा है, काफ़ी सिनेमाघरों में काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की भीड़ देखी जा रही है, क्या लगता है? इस फिल्म में संदेश कुछ दिए गए हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा जो भी दर्शकगण थे इस फिल्म को लेकर तरह तरह के बातें बताएं, क्या उनका अनुभव रहा? आइए हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर महोदय मौजूद हैं, आइए जानकारी लेते हैं इस फिल्म में उनकी क्या मेहनत रही, क्या काम किए हैं जो कि आज पब्लिक इतना देखने के लिए इच्छुक है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सरदेला हुआ है। सर मैं जानना चाहूँगा इस फिल्म के पीछे आप लोगों की क्या मेहनत रही है? देखिए एक्चुअल में हमारे समाज से लेकर के या तो अभी जैसा माहौल है पिक्चर को लेकर के बहुत सारा कठिनाइयाँ भी हुई, हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम भी झेलने लगे, लेकिन खास करके सारे लोग में खुश इस बात का था कि हमारा जिस लैंग्वेज में हम पैदा हुए जिस माहौल में जिस समाज में उस लैंग्वेज को लेकर के यह फिल्म बनाया गया, इसमें ज़्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह एक बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने बात की है लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा को लेकर। तो मैं दूसरी बात ये भी जानना चाहूँगा सर कि देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं लोग मुंबई के आर्टिस्ट को लोग को सिलेक्शन करते हैं इस फिल्म के लिए, लेकिन आप इसके द्वारा देखा गया कि स्थानीय कलाकार का चयन करके और इस फिल्म को फिल्माया गया, तो क्या कहते हैं सर? सर मेरा मेन मुख्य उद्देश्य था
कि चलो जिस प्रकार से अभी हमारा भोजपुरी या तो हिंदी जिस प्रकार से अपना रीजनल भाषा को प्रमोट करते हैं, हमारे में एक मेन उद्देश्य था कि हम अपना कोटा भाषा को प्रमोट करें। और कोटा भाषा में अगर हम किसी बॉलीवुड का आर्टिस्ट को लाते तो ऐसा प्रमोट नहीं होता, यहाँ के कलाकारों में पूरा रस फील आता है, जिसकी वजह से यहाँ के भाषा को लेकर के यहीं के कलाकारों को लेकर के ये फिल्म बनाने का सोचा। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, फिल्म के डायरेक्टर फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी। हमारे साथ इस फिल्म के कुछ और भी पात्र मौजूद हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं, इनकी क्या सहयोग रही, क्या इस फिल्म में भूमिका रही। सबसे पहले आप परिचय दीजिएगा सर। प्रणाम। सबसे पहले मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, मैं इस फिल्म में सेकेंड डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल किया हूँ। और ये हमारी पिक्चर कोटा भाषा पर आधारित है। हम कलाकारों के ज़िंदगी में क्या क्या हो रही है और क्या बीत रहा है, उसी पर आधारित हमारे लेखक ने लिखे हैं कहानी। और इसमें सामाजिक के बारे में बताया गया है, समाज में त्रुटि क्या है, प्लस हिंदू मुस्लिम एकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय का प्रयोग करो। देख रहे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जनता लोग पसंद कर रहे हैं इस मूवी को और काफ़ी इच्छुक है देखने के लिए भी। इससे आपको क्या लगता है, आगे भविष्य की कुछ बातें कहेंगे? हाँ, भविष्य की बातें जैसे जनता के बताएं कि आप जनता इच्छुक हैं, और जनता क्यों ना इच्छुक होंगे, क्योंकि ये हमारी लोकप्रिय भाषा कोटा में बनाई गई है। जी बिल्कुल, जो काफ़ी लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। कल हमारी ये फिल्म 28 जून को रिलीज हुई, काफ़ी हम लोगों को प्यार मिला, लोगों से काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो आगे की यही है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा, इसी तरह हम लोग प्रयास करते रहेंगे लोगों को मनोरंजन करने के लिए। और काफ़ी तरह के संदेश मैसेज जैसे फिल्म में कई सारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धूम्रपान, सिगरेट, इस तरह का, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय पर आधारित कई सारे मैसेज दिए गए। अभी भोजपुरी जो मूवी है हम लोग को आ देखा कि आपने यहाँ पे बताया, हमारे एक जो फिल्म के पात्र कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर? अभी हमारे डायरेक्टर साहब प्रकाश अलविदा जी, दो मूवी है, अभी दो मूवी आने वाला है, एक सरहद के पार और एक हमार धड़कन, दोनों भोजपुरी मूवी है। तो इन्होंने बताया एक और दो और फिल्मी मूवी की तैयारी चल रही है इस सफलता के बाद। तो आपने यहाँ देखा एक स्थानीय कलाकार लोग के द्वारा, और दूसरी बात है कि स्थानीय भाषा में जो फिल्म को फिल्माया गया है वह फिल्म है पिक्चर अभी बाकी है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिनेमाघरों में भीड़ देखी जा रही है। तो आज हम मौजूद हैं हजारीबाग के लक्ष्मी सिनेप्लेक्स में, जहाँ पे कि पिक्चर अभी बाकी फिल्म को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की भीड़ देखे हैं।